भारत में जहाँ पे कोरोना के कारण बहुत सारी चीज़ें स्थगित हो चुकी हैं, उसी की ओर इशारा कर रहे हैं। हिमाचल में जो पंचायत चुनाव होने वाले थे, हो सकता है हिमाचल में कोरोना महामारी के कारण टल सकते हैं पंचायत चुनाव, तो खबर निकल के आ रही है। तो क्या ये पूरी खबर तो जानते हैं इस वीडियो में, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप हिमाचल की कोई भी न्यूज़ या करंट अफेयर्स की वीडियो देखना चाहते हैं। तो इसी खबर के निकल के आ रही है कि देखिए, इसी साल नवंबर दिसंबर प्रस्तावित है 3226 पंचायतों समेत स्थानीय शहरी नगर निकाय के भी इलेक्शन थे। और जो दिक्कत आ रही है कि हिमाचल में जो इस साल नवंबर दिसंबर में पंचायत चुनाव होने थे, उससे कोविड-19 के कारण वो इलेक्टोरल रोल मैनेजमेंट सिस्टम की ट्रेनिंग एक महीने से बंद है, और इसी कारण मार्च में दूसरे सप्ताह में चुनाव आयोग के कर्मचारी की एक बैच की ट्रेनिंग भी दे चुके हैं। लेकिन 23 मार्च को देशव्यापी लॉकडाउन के बाद से अभी तक कोई और तैयारियां नहीं हैं, सारी तैयारियों को रोक दिया गया है। अब आयोग भी इस बात को लेकर चिंतित है कि यदि जून तक कोरोना से हालात सामान्य नहीं हुए तो चुनावों को टालना भी पड़ सकता है। 3226 पंचायतों में होने हैं चुनाव, लेकिन जो 3226 ग्राम पंचायतें हैं उसमें 52 स्थानीय शहरी नगर निकायों में भी इस साल चुनाव होने हैं। प्रदेश के अधिक बर्फबारी वाले 3 से 4 ब्लॉकों में हर बार अक्टूबर और नवंबर में चुनाव करवाए जाते हैं, लेकिन इस बार ये मुश्किल लग रहा है। एक्ट में भी है चुनाव टालने का प्रावधान, जिस एक्ट के तहत चुनाव करवाए जाते हैं उसमें भी ये प्रावधान दिया है कि इलेक्शंस को टाला जा सकता है। सूचना के मुताबिक कानून में एक्ट ऑफ गॉड यानी बाढ़ व भूकंप जैसी आपदा की स्थिति में चुनाव टालने का प्रावधान है। ऐसे में वैश्विक महामारी कोविड-19 भी चुनाव टालने का कारण बन सकती है। यदि ऐसा हुआ तो प्रदेश में पहली बार मर्तबा पंचायतों के चुनाव समय पर नहीं हो पाएंगे। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।